युद्ध, प्यार, परमाणु विस्फोट, ग्लोबल वार्मिंग, कितना कुछ झेल रहा है हमारा नीला ग्रह और आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? हम मनुष्य। परंतु क्या आप जानते हैं हमारे सुंदर से ग्रह को ऐसा बनने में कितना समय लगा था? वो ग्रह जो हमारे लिए सबसे मूल्यवान है, वो कितने सालों के कठिन मेहनत का फल है, क्या आप जानते हैं? आइए आज हम चलेंगे समय में पीछे और शुरुआत से जानेंगे हमारे पृथ्वी के एक चट्टान के टुकड़े से लेकर एक जीवन से समृद्ध ग्रह बनने तक के सफर को। तो आइए हम समय में पीछे चलते हैं, थोड़ा और पीछे। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले हमारा सौरमंडल और एक नया जन्मा तारा जिसके चारों ओर धूल और चट्टान चक्कर काट रहे हैं, यहाँ हमारी पृथ्वी का नामो निशान तक नहीं है। हम समय में कुछ ज्यादा ही पीछे आ चुके हैं। अभी तक पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन इसकी नींव तैयार हो चुकी है। ये चट्टान और धूल अब गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में जुड़ रहे हैं। कई लाख सालों के बाद अब एक भीमकाय चट्टान के गोले में बदल चुकी है, लेकिन इसे हम पृथ्वी नहीं कह सकते क्योंकि अब ये बहुत ही गर्म है। ये आज के वीनस यानी शुक्र ग्रह के समान है। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले धरती की सतह पूरी तरह खौलते लावा से ढकी है। आप गलती से भी नीचे पैर रखने की कोशिश मत करना, वरना आपके पास दोबारा रखने के लिए पैर नहीं बचेगा। इस वक्त धरती की सतह का तापमान करीब 1200 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये जगह फिलहाल नर्क से कम नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन का नामो निशान तक नहीं है। धरती पर लगातार एस्ट्रॉइड्स की बरसात हो रही है जो सतह पर कई किलोमीटर लंबे खौलते लावा के नदियों का निर्माण कर रहे हैं, और ये एस्ट्रॉइड्स कहीं दूर के नहीं बल्कि धरती के पड़ोसी हैं जो लगातार उससे टकरा रही हैं। ऊपर देखिए, ये है एक नया नवेला ग्रह थिया जो तेजी से हमारी ओर यानी धरती की ओर बढ़ रही है, करीब 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, यानी एक गोली की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा तेज। हमें इसका स्वागत करना है क्योंकि इसी की वजह से हमारे खूबसूरत चांद की रचना होगी। अब हमारी धरती चारों तरफ से अनगिनत चट्टानों के टुकड़े से घिर चुकी है। यहाँ इतने चट्टानी टुकड़े हैं कि इस वक्त हमारी धरती के पास भी शनि ग्रह के समान अपना एक रिंग बन चुका है जो बिल्कुल शनि ग्रह के रिंग के जैसा ही दो भागों में बटा है। पहला रिंग आज के धरती और चांद के बीच में है और दूसरा चांद के पीछे। इस रिंग से एस्ट्रॉइड्स लगातार धरती पर बरस रहे हैं, लेकिन एस्ट्रॉइड्स की असल बारिश अभी भी शुरू नहीं हुई है। अब ये रिंग धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से एक 3000 किलोमीटर चौड़े गोलीय पिंड में बदल जाएंगे, और यहाँ हम देख रहे हैं हमारे चांद के जन्म को। यह है हमारा चांद, इसमें फिलहाल कोई दाग नहीं है और ये अब हमारी धरती के काफी नजदीक है, जिसकी वजह से यह हमें इतनी बड़ी दिखाई दे रही है। इसका सरफेस अभी पूरी तरह से गर्म लावा से बना है और इतने करीब होने की वजह से यह लगातार धरती पर अपना गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डाल रही है। करीब 30 लाख साल बाद अब हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आप लोग शायद ही जानते होंगे। हमारे सौरमंडल के गैस जायंट्स अपने ऑर्बिट्स में बदलाव कर रहे हैं और इस बदलाव की वजह से सौरमंडल के एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के बीच में एक ग्रेविटेशनल मेस तैयार हो रहा है जो उन एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स को सौरमंडल के आंतरिक भाग में धकेल रही है, सीधे सीधे मंगल, शुक्र, बुध और हमारी धरती की ओर। यही वो समय है जब हमारे चांद को इन एस्ट्रॉइड्स की वजह से उसके जाने पहचाने दाग मिलने वाले हैं। इस अवधि को कहा जाता है द लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट। बाय द वे, इस समय हमारा चांद भी बहुत बहुत ही गर्म था। यह आसमान में एक बड़े लैंटर्न की तरह चमकता था और यह धरती के इतने करीब था कि इसका गुरुत्वाकर्षण हमारी धरती को आज की तुलना में 25 गुना ज्यादा प्रभावित कर रहा था। हमारी धरती पर एक दिन 24 घंटों का नहीं बल्कि केवल 6 घंटों का होता था, और इसके कारण धरती के लावा के नदियों में लहरें आज के समुद्रीय लहरों से 20 गुना ऊपर तक उठती थी। लेकिन भला हो हमारे चांद का जो धीरे धीरे समय के साथ साथ हमारी धरती से दूर चला जाएगा, और इससे धरती की घूर्णन धीमी होने लगेंगी और लावा की नदियाँ ठंडी होने लगेंगी, जिससे धरती के सतह का निर्माण होगा। इस वक्त आसमान में ये भीमकाय चमकीला चांद ही एकमात्र चीज नहीं है जो आपका ध्यान आकर्षित करेगा, बल्कि अब आपको दो बहुत ही चमकीले तारे भी आसमान में देखने को मिलेंगे। लेकिन वे दोनों असल में तारे नहीं है, ये दोनों असल में ग्रह हैं, जुपिटर और सैटर्न। सौरमंडल के आंतरिक ग्रह जैसे कि हमारी धरती, वीनस, मरकरी, मार्स, ये सब रॉकी प्लैनेट्स हैं
और ये ज्यादा समय तक पिघले हुए लावा के रूप में नहीं रह सकते थे। लेकिन वही जुपिटर और सैटर्न असल में गैस जायंट्स हैं, जो कि आसानी से लंबे समय तक गर्म रह सकती है। धरती के जन्म के इस समय काल में जुपिटर का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस और सैटर्न का 3000 डिग्री सेल्सियस था। इसका मतलब है कि जुपिटर उस वक्त हमारे सूरज से भी ज्यादा चमकीला था। जैसा कि साइंटिस्ट कहते हैं कि तारे अपने जीवन के साथ साथ और चमकीले होते जाते हैं, तो उस समय हमारा सूरज आज से 30% कम चमकीला था। परंतु 4 अरब साल के लंबे अवधि में ये ग्रह भी धीरे धीरे ठंडी हो जाएंगे। आइए चलते हैं वापस हमारी धरती पर। धरती के वायुमंडल में फिलहाल केवल एक ही गैस है, मीथेन। आप गलती से भी इसमें सांस मत लेना, वरना कुछ मिनटों में ही आपकी मौत हो जाएगी। लेट हैवी बम्बार्डमेंट के दौरान धरती पर लगातार कॉमेट्स की भी बरसात हुई थी, जिन्होंने अपने साथ पानी का धरती में परिवहन किया। इस पानी ने धरती में समुद्रों का निर्माण किया। धरती अब चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई थी, लेकिन यहाँ ना तो पैर रखने के लिए जमीन था और ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। हमारी धरती अभी कुछ हद तक पृथ्वी कहने लायक बन चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें जीवन का बीज नहीं पनपा है। आखिर इसके बाद क्या हुआ था और धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी, इस पूरे कहानी को जानने के लिए आप इस सीरीज के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को जरूर देखिए। ये दोनों एपिसोड्स ऑलरेडी चैनल पे हैं। वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई के बटन पे मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। मैं मिलता हूँ एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।